प्रॉब्लम को ध्यान से पहले समझना है, पढ़कर। बहुत से बच्चे उसको प्रॉब्लम को पढ़ते ही नहीं है, क्या है वो पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते नहीं है, आंसर पहले समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होता है और उसको आंसर ही करते हैं, हाँ, तो आंसर याद नहीं आता है, क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर कैसे याद आएगा। इसलिए पहले जो प्रॉब्लम दिया हो उसको ध्यान से पढ़ना है। मैन गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है किसी आदमी का, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट की साइड जाता है, यही है ना, ईस्ट ही होगा ना। तो कितना मीटर जा रहा है वो, जा रहा है, और 18 मीटर पहुंचने के बाद में वो नॉर्थ में जाएगा, यहाँ से नॉर्थ में जाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन से अभी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। मुझे लगता है ये तुम लोग कर सकते हो। AC square equal to BC square by 5 सब लोग नोट कर लो। AC square is the distance between the initial position and the final position. If AC square plus 24 square is 324 प्लस 576, ठीक है, तो हो जाएगा 900। एसी स्क्वायर इज 900 इक्वल टू 30 स्क्वायर, देयरफॉर एसी इक्वल टू 30 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज 30 मीटर। इसको लिख लो, नोट कर लो। कम उसको जाना पड़ेगा ये तुझे बताना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो थर्ड डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेना है। यस सर। सी स्ट्रीट सी कितना माइल्स है वो फाइंड कर लेना है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो कितना कम है। तो अभी जो डिस्टेंस जाएगा वो 2 माइल्स प्लस 1.5 माइल्स, 3.5 माइल्स उसको जाना पड़ेगा, लेकिन वो सी से जाएगा, स्ट्रीट सी से जाएगा, तो कितना डिस्टेंस इसको कम जाना पड़ेगा ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रीट ए
ये स्ट्रीट ए है, 2 miles, स्ट्रीट बी 1.5 miles, इसको हम पी क्यू आर पे ले सकते हैं, दिया है क्या कुछ नहीं, तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एबीसी स्ट्रीट के लिए यूज कर लिया है। तो ट्रायंगल को हम पी क्यू आर ले लेंगे, ठीक है, और ये सी स्ट्रीट है, ये कितना माइल्स है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर, सो सी है ये 2 square plus 1.5 square, विच इज 4 plus 2.25, ओके, सो इट इज 6.25, विच इज 2.5 square, सो पी आर स्क्वायर इज 2.5 square, देयरफॉर पी आर इज 2.5 miles, ओके। सो द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट ए एंड बी इज 2 plus 1.5, 3.5, ओके, यस सर। सो द डिस्टेंस सेव्ड is 3.5 minus 2.5 is 1 mile. Right? Yes, sir. Note कर लो सब लोग। Walking through a pond, point A एक जगह है और point B मुझे फिर से है जाना है, तो इसके बीच में जो है पॉन्ड है, ठीक है, इस पॉन्ड से ऊपर से नहीं जा सकता है, अवॉइड करना है उसको, ठीक है। You must walk 34 meter south and 41 meter east to the nearest meter. How many meters would be saved if it were possible to make a way through the pond? Pond के ऊपर से अगर तेरे लिए कोई रास्ता बना दिया जाए या through the pond कोई रास्ता बना दिया जाए तो तू कितना मीटर जो है सेव कर लेगा, इसलिए बताना। तो पॉइंट ए से एक्चुअली अभी जो रास्ता है उस रास्ते से तू जाता है तो ए से 34 मीटर जो है तुझे साउथ जाना होगा, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। और 34 मीटर जाने के बाद में कितना मीटर ईस्ट जाना है? 41 मीटर ईस्ट तुमको जाना है, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। अगर तेरा रास्ता ऐसा हो सीधा तो ऐसे जाके ऐसे जाने में जितना डिस्टेंस लगेगा और ए से बी सीधा जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा उसका कम कितना लगेगा वो तुझे फाइंड कर, कितना डिस्टेंस कम जाएगा सेव करेगा वो फाइंड कर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर ये सी है तो
एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर 34 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर क्या होगा 34 स्क्वायर और 41 स्क्वायर क्या होगा 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 1
इन दोनों का सब यही आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको देखने से पता चलता है यूनिट डिजिट 7 है। यूनिट डिजिट 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन बाय यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। तो 2837, सो 5 5s are 25, ओके 25, राइट? तो 25 यू विल राइट एंड सब्ट्रैक्ट इट, नेक्स्ट 2 डिजिट यू विल ब्रिंग डाउन एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड राइट हियर डैश, देन समथिंग इफ यू राइट हियर इट बिकम 100 101, देन 102, देन 103, सो वी हैव द नंबर व्हिच इज वेरी नियर टू 300, सो मैक्सिमम वी कैन टेक 3, देन इट बिकम 300, इफ यू टेक 4 इट विल बिकम 400, सो यू कैन नॉट टेक 4, सो दिस इज 3, ओके, सो वी कैन राइट दिस 3 हियर एंड हियर आल्सो, देन वी मल्टीप्लाई इट इज 300 and 900, ओके राइट, सो माइनस इट इज 28, व्हेन यू सबट्रैक्ट इट इज 28, ओके, सो आफ्टर दिस यू पुट वन डेसिमल पॉइंट, देन 20 यू कैन पुट 20 यू राइट, ओके, अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय 2 और ऐड द यूनिट डिजिट विद दिस 3, सो इट इज 106 डैश, राइट, नाउ इट इज 100 एंड समथिंग, व्हेन यू राइट समथिंग इन द डैश यू विल गेट इट इज वेरी नियर टू 1000, here you have 2800, so maximum you can take is 2, because when you take 3 it will become 3000, so more than this you cannot take, so you take 2, okay, yes, sir. So multiply now 2 2 4 6 2 2 1 2 1 2 4, okay, right, so again you subtract it 6 7 6, one more 20 you can take, okay, then here 1062 1064, that's right, now it is 67,000 something you have, and here 10,000 something you will get, so 6 times you can take maximum, so you can take 6, so this is equal to AB equal to square root of this, which is 53.26. Is that clear? Yes, sir. 53.26 is AB. What is the question they are asking? How much distance you are saving? So that you subtract it. This distance plus this distance minus this distance. So the distance saved is equal to AC plus BC minus AB. So these two, if you add, you will get 75.00 minus 53.26. Okay? So 10 minus 6 is 4, 9 minus 2 is 7, and 4 minus 3 is 1, and 7 minus 2 is 5 is 2. So it is 21.6.
saved from through the path, through the knowledge. Okay, is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Then right now. Fourth problem in exercise 4.3. In the rectangle WXYZ, XY plus YZ, XY plus YZ is 17 centimeters and XZ plus YW, XZ plus YW is 26 centimeters, 26 centimeters, okay? Calculate the length and breadth of the rectangle. Length and breadth today. तो problem अच्छी तरह से हम समझ गए हैं. Rectangle है. Rectangle का कुछ properties अगर तुझे याद है. पहले तो ये क्या है मैं समझा देता हूँ. XY यहाँ से XY और YZ ये दोनों मिल के 17 है. ठीक है ना लाइन. और XZ जो डायगोनल है प्लस YZ YW वो भी डायगोनल दोनों मिलके जो वो 26 है. तो जब भी डायगोनल हम देखते हैं रेक्टेंगल का तो हमें रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टीज याद आ जाना चाहिए. ठीक है. और ये रेक्टेंगल में डायगोनल ज्वाइन करता है तो वो एक राइट ट्रायंगल अंदर दिखाई देता है. ठीक है ना. तो ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें दोनों को देखेंगे. रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल. वी नो दैट डायगोनल इन ए रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं.
hypotenuse of the right triangle is 6 meter more than the twice of the shortest side. तो यहाँ पे जो है एक राइट ट्राइंगल हमने लिया है, उसमें जो हाइपोटेनस है, राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर डिपेंड है, शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट और डिपेंड कौन है वो अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसको एक्स लेना है पता चल जाएगा। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कौन किसके ऊपर डिपेंड है देखना और इंडिपेंडेंट कौन है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर हाइपोटेनस डिपेंड है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया शॉर्टेस्ट साइड, उसको हम एक्स ले लेंगे। लेट दी शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स मीटर, ओके। सो द हाइपोटेनस इज 6 मोर देन twice the shortest side. Is that clear? Yes, sir. So the hypotenuse is equal to 6 more than 2 times the shortest side. 2 into x. Yes. So yeah, hypotenuse is there. And the third side is 2 meter less than the hypotenuse. Okay. It's a 2 meter come. So it is 2x plus 6 minus 2. It is 2x plus 4. Is that clear? Yes, sir. So the third side is 2x plus 6 minus 2 is 2x plus 4. Is that clear? Yes, sir. Okay. So tino side abhi humko bata hai, ek right triangle hai. Therefore, Pythagoras theorem, AB square is equal to इसके हिसाब से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो इट इज 2x प्लस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 द होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6, 2 इंटू 2x 4x इंटू 6 24x, ओके 24x, correct? Yes, sir. 2 into 2 into 6 is 24, into x is 24x, plus 6 square is 36, right? Yes, sir. And the other side it is x square plus 4x square plus 2 into 2, 4, 4, 16, x plus 16, okay? So, this is you have here in the other side. So, in the other side, right hand side it is yx square. Yx square, right hand side is yx square, then 16x plus 16 plus 16x plus 16, and from the left hand side to the right hand side you will bring 4x square and become minus 4x square, then minus 24x, minus 24x, minus 36, okay, equal to 0, you will write it, right? Yes, sir. So, in the next step it is x square minus 8x minus 20 0. So, when you factorize, the sum you must get is minus 8 and product is minus 20. So, it is 10 to the sum is negative, so the bigger number is negative. Minus 10 into 2 is minus 20, minus 10 plus 2 is minus 8. So it is x minus 10 into x plus 2 equal to 0. Therefore x equal to 10, x equal to 10, it cannot be negative. X cannot be negative. Okay, so x equal to 10 meter. That means shortest side is 10 meter. So the hypotenuse is 10 meter. Hypotenuse is shortest side is 10 to 10. Is the shortest side? Is the shortest side? Shortest side. Hypotenuse is 2x plus 6. 2x plus 6 is
2 × 10 = 26. And the third side is −26 − 2 = 24. So all the sides are 10, 24, 26. Yes, okay. So that's it in this problem. By which top of the ladder would slide upwards on the wall. ध्यान से आपको problem दो बार पढ़ के अच्छी तरह से समझना होगा और सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा, ठीक है? Wall है और 1.6 meter 5 meter long जो है लैडर है रखा हुआ जो वॉल पे फोर मीटर हाई पे टच कर रहा है टॉप ऑफ द लैडर जो है वॉल को 4 meter हाई पे तो पॉइंट है उसको टच कर रहा है और उनके बाद में फुट ऑफ दी लैडर जो है वॉल की साइड टूवर्ड्स दी वॉल 1.6 मीटर इसको तुम आगे करते हो तो इसको तुम जब आगे करेगा तो ये ऊपर जाएगा है ना ऐसा तो ये कितना ऊपर जाएगा वो पूछा है ठीक है ओके तो इस पॉइंट को हम डी की ले लेते हैं ये 1.6 मीटर आगे आके वॉल की तरफ आएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा ये पूछा है ठीक है तो इसको एक्स और इसको वाई ले लो इस डिस्टेंस को एक्स ले लो और इसको वाई ले लो अभी तुम थर्ड साइड फाइंड करके इसका थर्ड साइड फाइंड करके ये फाइंड कर सकता है और ये जो रहेगा लेंथ ऑफ द लैडर जो है AC = DE ये चेंज नहीं होगा ये पाई रहेगा ठीक है अभी इन ट्रायंगल एबीसी पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी AC² = AB² + BC² ठीक है AC² (5² + AB² (4² + BC² BC² = (5² - 4² 25 - 16 = 9 BC² = 3² BC = 3D ये पूरा 3 है ठीक है तो BD = BC - DC 3 - 1.6 = 1.4 BD जो है वो 1.4 है हमारे पास मीटर ठीक है BD 1.4 है इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है पूरा राइट ट्राइंगल लेके x + 1.6 लेके भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें x फाइंड करेगा तो ये 1.4 मिलेगा ठीक है पूरा ट्राइंगल लेके x + 1.6 लेके करके देखेगा तो BD 1.4 मिलेगा x मिल जाएगा ठीक है
Now triangle EBD. EB square is equal to EB square plus BD square. ठीक है? All the department place. आपकी डिपार्टमेंट लेस के के प्लस समझे मैडम ईडी के पाइंट स्क्वायर के के प्लस ईबी स्क्वायर मैडम फोर प्लस वाई क्या नाम है उसमें फोर प्लस वाई करेक्ट आप नंबर डिस्कस करो पहले ही मार्किंग आप नंबर डिस्कस करो पहले ही मार्किंग 1.4 ठीक है ऐसा This is pi square 25 minus 1.96. 1.96. Okay. Equal to 4 plus y the whole square. ऐसे ही रखो. Expand मत करो. इसका आंसर क्या आएगा? 25 minus 1.96 क्या आएगा? 23.4 जो इसका स्क्वायर है वो देखो स्क्वायर रूट क्या होगा 23.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4. क्या आया देखो समझ रहे हो और ये
इक्वल टू थ्री टाइम्स एस आर ये दिया हो टू प्रूव टू टाइम्स पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर ये प्रूव करना है ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल है तो ये भी राइट ट्रायंगल होगा दूसरा वाला सर ठीक है। लेट एस आर इक्वल टू एक्स देन क्यू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स ओके। नाउ ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल ले लो पहले कोई भी एक ट्रायंगल पी एस आर बाई कैसा दोनों सूचिया सर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर का जो है पी एस स्क्वायर फाइंड करो क्योंकि पी एस इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द राइट ट्रायंगल इजीली सर। सो इसलिए पी एस क्या है वो फाइंड करो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर इसको बोलो समझे दूसरा ट्राइंगल ले लेना इन ट्राइंगल पी एस क्यू पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर मैं डायरेक्ट पी एस स्क्वायर लिख रहा हूँ ठीक है ऐसे लिख लो इसको बोलो टू ठीक है। वन और टू में क्या सेम है स्क्वायर सेम है यानी दोनों इक्वल होगा सो यू विल हैव पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर इधर एक एस आर स्क्वायर में स्क्वायर है ठीक है ये दोनों इक्वल हो गया। अभी जो एक्स लिया उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ठीक है। सो पी क्यू स्क्वायर टू प्रूव देखो ध्यान से एक साइड पी क्यू स्क्वायर ही है एक साइड पी क्यू स्क्वायर रखो बाकी उस साइड ले जाओ ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसके बाद थ्री एक्स तो होल स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो पी क्यू स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर पी क्यू पी आर स्क्वायर माइनस प्लस बिगर नंबर का साइन आएगा माइनस करेगा एट एक्स स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो मुझे यहाँ पे क्यू आर चाहिए क्यू आर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एक्स फोर एक्स क्यू आर स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर होगा होगा कि नहीं तेरे पास यहाँ क्या है एट है तो उसको सिक्सटीन करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा इंटू टू किया तो सिक्सटीन हो जाएगा लेकिन इंटू टू हम किसी में भी थोड़ी कर सकते इंटू टू किया तो डिवाइड बाई टू करना यानी 8 को 16 बाई 2 लिखना लिख सकते हैं ना 8 को 16 बाई 2 लिखना पी आर स्क्वायर प्लस 16 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 को ऐसे ही रखो 16 एक्स स्क्वायर को क्या लिखना 4 एक्स का होल स्क्वायर ठीक है पी आर स्क्वायर 4 एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 4 एक्स को क्या लिखना 4 एक्स इज वॉट क्यू आर सो क्यू आर स्क्वायर सो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 2 ये बाई 2 तुझे हटाना है तो एलसीएम 2 होगा सब में 2 लाने के लिए जिसमें 2 नहीं है उसको इंटू 2 बाई 2 करना तो इधर इंटू 2 नीचे भी इंटू 2 इसको भी इंटू 2 इसको भी इंटू 2 तो तेरा आंसर होगा 2 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर
सबका बाई टू है, सबका बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर है 2PQ² = 2PR² + QR² है। सबको ये नोट करना है, समझना है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। You have to prove 8 times AE square equal to 3 times AC square plus 5 times AD square. So, सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है वैसा सेम डायग्राम आपको बना लेना है। ध्यान से सुनकर बोलो। Yes, sir. So, right angle at B. B, E are the points on BC. B and E trisect BC. Trisect मतलब तीन पार्ट पार्ट से डिवाइड करेगा। ये तीनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री B, E trisect BC. ओके, टू प्रूव 8 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ए ई जो है ये है, ए सी ऑलरेडी दिख रहा है, वहां पर ज्वाइंट किया हुआ है और ए डी ज्वाइन कर ले। तो हमने देखा कि तीनों हाइपोटेनस है, तीनों हाइपोटेनस होगा अलग अलग ट्राइंगल का, ए बी जो है सब में रहेगा और ये तीनों पार्ट इक्वल है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। ईच पार्ट इज एक्स बिकॉज ऑल आर इक्वल। सो लेट बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू उसको थोड़ा अलग फॉर्म में हम करेंगे। पहले हम तीनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बी सी स्क्वायर सो 3x तो होल स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस 9x², उसको आप ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करना है, ए सी स्क्वायर। तो ये आपको हो गया वाले, ठीक है, उसको रखो। नेक्स्ट ट्राइंगल जो है बैटरी खत्म हो गई, चालू है, दो बता रहा है, दो मैं चालू है ना, ओके नो प्रॉब्लम। ट्राइंगल ए बी ई ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एक्स दो स्क्वायर इज 4x² इज 2। ट्राइंगल ए बी डी ए डी स्क्वायर
AD square equal to AB square plus H square. ठीक है, अभी क्या प्रूफ करना है, उसको एक साइड ले आओ पहले. From I AE square minus 3AC square. 3AC square equal to minus 5AD square equal to 0 निकले. अभी क्या है, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे तुझे 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा. तो LHS equal to 8AE square minus 3AC square minus 5AD square. 8AE square को जो है AB square plus AE जो उसको लो AB square plus 4X square minus 3AC square को जो है AB square plus 9X square. AB square plus 9x square minus 5. R the department led. AD square. Okay, it's a group. R is mother. AB square plus 9x square. Everybody, sir. Wait, please, sir. Hello, sir. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से दिया तो आंसर एक अलग है मैडम. 8AB square. Okay, it's a group. Plus 32x square. Minus 3AB square minus 27X square minus 5AB square minus 5X square. कितना AB square होगा? 8AB square minus 8AB square minus 5AB square. 0AB square. AB square. 0 हो गया. 32 minus 27 minus 5. वो भी 0. 0. So, प्लस 0x स्क्वायर इक्वल टू 0. राइट, प्रूफ तो प्रूफ हो गया. सो 8ae स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर माइनस 5ad स्क्वायर इक्वल टू 0. 8 देयरफॉर 8ae स्क्वायर इक्वल टू 3ac स्क्वायर माइनस प्लस 5ad स्क्वायर. Hence proof. ठीक है, proof हो चुका है. किसी को कोई doubt है तो पूछ.